हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि आपको इंटरफेस पे दिख भी रहा होगा रिजेक्टेड बाय बैंक और रीजन यहां पे मेंशन हो रहा होगा। मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि आपको ये समय रहते ये सारे काम कर लेने हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो नए रहते हैं खास करके, उनको ये जानकारी रहती नहीं है, उनको सारी चीज़ें मालूम रहती नहीं है कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है। और छोटी सी आपकी लापरवाही की वजह से आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया सही तरीके से, सारी चीज़ें सही है और पता चले कि जहाँ आपका पैसा आना है, जिस बैंक में आपका पैसा जाना है, वहाँ पर समस्या है और आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर कह लीजिए कि जब बैंक में ही समस्या रहेगी, बैंक से ही रिजेक्ट हो जाएगा, तो जहां आपका पैसा जाना है पैसा आएगा नहीं, भले आगे चल के आपका वेरीफाइड हो या फिर DWO लेवल से रिजेक्ट हो, लेकिन जब बैंकिंग में यानी बैंक में ही समस्या रहेगी तब आपका पैसा कैसे जाएगा। तो इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करेंगे कि अगर आपका रिजेक्टेड बाई बैंक दिखा रहा और आपका अगर नहीं दिखा रहा तो क्या आपको करना है, ये भी जानकारी आपको मिलने वाली है। इससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, और आपको भी मालूम है कि यहाँ से आपको UP स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है, और जितनी भी जानकारी आती है विभाग के द्वारा वो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म की जाती है। तो इसके लिए चाहे तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक किए रहेंगे, ऑल पे क्लिक किए रहेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। इसके अलावा कभी कभी ये होता है कि एक दिन में 3 से अधिक वीडियो अगर आपको प्रोवाइड किया जाता है, अपलोड किया जाता है यूट्यूब पर, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाता कभी कभी। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप टेलीग्राम पर रहेंगे तो टेलीग्राम पर कभी कभी मैं भी फ्री नहीं रहता हूँ, तो वहाँ पर आपको मैसेज कर देता, अपडेट कर देता कि हाँ ये काम करना है, ये होने वाला है, ये हो चुका है, या फिर अन्य जो भी चीज़ें होती है वो आपको टेलीग्राम पर ही सेंड की जाती है। चाहे आपके विभाग की कोई नोटिस वगैरह आ गई वो आपको टेलीग्राम पे सेंड की जाएगी, अदरवाइज जो भी इन्फॉर्मेशन तो टेलीग्राम पे रहेंगे तो सीधे मतलब है कि आप एक्टिव रहेंगे। जब भी आप मान लीजिए फ्री नहीं है, यूट्यूब की ओर से नोटिफिकेशन नहीं किया, तो आप जाकर के शाम को या फिर जब भी आप फ्री रहेंगे तब आप टेलीग्राम पर एक बार विजिट कीजिए, वहाँ पर देख लीजिए कि क्या सूचना आई है, कौन सी वीडियो आई है, उस हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा अगर यूट्यूब की ओर से नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो। ठीक है, कल की डेट में मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था कि जिन बच्चों का कहिए कि पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी था, तो आप देखिए बैंक से तो वेरीफाइड हुआ था, बैंक से तो मैंने आपको कल दिन ही बताया था कि हाँ रेस्पॉन्स पेंडिंग बाई PFMS जो है वो वेरिफिकेशन का कार्य स्टार्ट है, धीरे धीरे चल रहा है, सबका चल जाएगा, सबका हो जाएगा धीरे धीरे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 5वें में DWO लेवल से वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, किस डेट में हुआ है, तो 11 तारीख को, दूसरे महीने की 11 फरवरी 2024 की डेट में, और 22:48 यानी 10:48 पर इनका वेरीफिकेशन कंप्लीट हुआ है। और करेंट स्टेटस में दिखा देगा कि वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी कि जो इनका फॉर्म है एक तरीके से कह सकते हैं स्कॉलरशिप का पैसा आने के जो चांसेज है वो 99% मतलब कि कंप्लीट हो गए कि हाँ इनका आएगा ही। 1% क्या होता है जब फंड की समस्या आ जाती है, तो फंड की समस्या के चलते कुछ बच्चों का वेरीफाई होने के बाद भी नहीं आता है, तो वो तो अलग की चीज़ है। चलिए भाई गवर्नमेंट के पास फंड में पैसा खत्म हो गया है तो नहीं आ रहा है, वो अलग की चीज़ है, लेकिन अगर आपका वेरीफाइड हो गया है तो इस केस में चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि चलिए आपका पैसा आ जाएगा। जाहिर सी बात है वेरीफाइड रहेगा तभी पैसा आएगा, अगर रिजेक्ट रहेगा या फिर पेंडिंग रहेगा तो तब तो आपका कहीं पैसा आएगा नहीं। और इसके अलावा देखिए ये जो समस्या आ रही है तो इसका सोल्यूशन क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा UID इज डिजेबल फॉर DBT और रिजेक्टेड बाई बैंक। देखिए बैंक से जब रिजेक्ट कर दिया गया, जहां आपका पैसा जाना है वहीं से रिजेक्ट कर दिया गया है, तब जाहिर सी बात है कि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंच नहीं पाएगा स्कॉलरशिप का। तो इसके लिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, भले ही जब आपने फॉर्म को फिलअप किया होगा, सभी स्टूडेंट्स को मालूम है ये, एक नहीं ये नहीं कि हाँ ये एक ही या फिर जिनके लिए ऐसी समस्या आ रहा है उन्हीं के लिए वीडियो, ठीक है, ये सभी के लिए वीडियो है। अगर आपका अभी भी फिलहाल में रेस्पॉन्स पेंडिंग बाई PFMS दिखा रहा है, वेरीफाइड नहीं किया गया है, तो इस केस में आपको अपने बैंक में एक बार ट्रांजेक्शन करना है, एक बार जाकर के वहाँ पर पता कर लेना है, जाँच करा लेना है कि आपका आधार कार्ड से, चूंकि इन्होंने भी फॉर्म भरा था, सारी चीज़ आधार ऑथेंटिकेशन हुई है, हर एक चीज़ हुआ है, सारी चीज़ें हुई है, आपको भी मालूम है NPCI से वेरिफिकेशन हो रहा था, मैप्ड हो रहा था, सारी चीज़ हुई है, लेकिन फिर भी बाद में रिजेक्ट हो गया, क्योंकि होता है कभी कभी कि डायरेक्टली आपका आधार कार्ड से हट जाता है बैंक अकाउंट किसी कारणवश, कभी कभी दूसरे कई बैंक होते हैं दूसरे बैंक में जाकर के मर्ज हो जाते हैं, कभी कभी ये होता है कि आपका NPCI से ऑटोमेटिकली हट जाता है, कभी कभी आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाता है ट्रांजेक्शन न करने की वजह से। और जो विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिस आए थे उसमें सारी चीज़ें मैंशन थी कि हर 2-3 महीने पर आप ट्रांजेक्शन एक दो बार बैंक में करते रहेंगे, लेन देन करते रहेंगे कि हाँ आपका खाता चालू है, सारी चीज़ें सही है, व्यवस्थित है। अगर इस तरीके के कार्य अगर आप नहीं करते हैं तो हो सकता है अगर आपका यहाँ पे रेस्पॉन्स पेंडिंग बाई PFMS हो तो यहाँ पे इस तरीके की समस्या आ जाए, या फिर और कई प्रकार की इसमें समस्या आ जाती है, वो भी समस्या आपके सामने आ सकती है। प्रभाव से बैंक में जाकर के ये कार्य अगर आपके में रिजेक्टेड बाई बैंक दिखा रहा है तो तत्काल प्रभाव से आप बैंक में जाइए और ये कार्य आप जरूर करा लीजिए कि देख लीजिए कि NPCI से मैप्ड है या फिर नहीं, EKYC वगैरह कंप्लीट है या फिर नहीं, कहीं हट तो नहीं गया है आधार कार्ड से, कहीं वहाँ से रिजेक्ट तो नहीं हो गया, उन सारे कार्य को कंप्लीट करा लीजिए कि जब आपका पैसा भेजा जाएगा तब कोई समस्या ना आए। अगर ऐसे भी आपका रिजेक्टेड बाई बैंक दिखा रहा है तो जाकर के आप पूरे कार्य को कंप्लीट करा लीजिए और कोशिश करेंगे आप जब सारे कार्य आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली जब पैसा भेजा जाएगा तो आ जाएगा, लेकिन एक बार अगर आपका विकास वन नज़दीक में होगा तो वहाँ पर भी एक बार अप्लीकेशन दे देंगे। अभी थोड़ा रुक के, अभी चूंकि करेक्शन वगैरह कार्य चल रहा है, इसके बाद से जाकर के एक अप्लीकेशन दे देंगे कि मेरे में ये समस्या आ रही थी, मैंने कार्य को कंप्लीट करा लिया है। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।